अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5, इंडेक्स नंबर्स। अब इंडेक्स नंबर में क्या है? इंडेक्स नंबर में बेसिकली हम रिलेटिव चेंज देखते हैं वेरिएबल्स के दरमियान में, सिंगल वेरिएबल के दरमियान में भी, और जो है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के दरमियान में भी। ठीक है, बेसिकली ये हमें क्या बताता है? रिलेटिव चेंज, टाइम टू टाइम जो वेरिएबल में चेंज आता है वो बताता है। ये हमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में, जैसे कि हमने कहा कि पिछले साल किसी चीज की प्राइस ये थी, इस साल ये है, तो बताता है प्राइस टाइम टाइम उसकी कैसे चेंज हो रही होती है। तो इंडेक्स नंबर की यहाँ से इंट्रोडक्शन में देखते हैं। द बाइंग पावर ऑफ रुपीज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अमाउंट ऑफ कमोडिटी। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके बाइंग, आपके जो है कुवते परचेज, बाइंग पावर जो है वो वेरी करती रहती है, ठीक है, टाइम के साथ। पिछले साल कुछ और थी उसकी, जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 10 रुपए की वैल्यू 2000 जो 2000 में और थी, अब 2024 में उसका उसकी वैल्यू और है। तो ये टाइम टू टाइम वेरी कर रहा होता है हमारे पास बाइंग पावर। वन कुड बाय 10 रुपीज इन 1960 न्यू पोस्ट अबाउट 60 रुपीज इन 1995। यानी कि वो कह रहे हैं कि 10 रुपए में वो 1960 में जो चीज ले सकते थे वो 60 रुपीज में 1995 में ले सकते थे। सो टू मेक मीनिंगफुल कंपैरिजन ओवर टाइम, यानी कि इसमें क्या करते हैं, मीनिंगफुल कंपैरिजन ओवर द टाइम करते हैं, इट इज नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द वेरिएबिलिटी इन द बाइंग पावर ऑफ रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ 2 ईयर कॉलेज एजुकेशन टूडे। यानी कि वो कह रहे हैं अगर आप इंटर करते हो तो उसकी जो कॉस्ट होगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, वो 1960 के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास इट इज, लेकिन ये है कि हमें इस तरह के इतने दूर वाले कंपैरिजन करनी नहीं चाहिए, हमें करीब वाले कंपैरिजन। ये तो सिर्फ देखने के लिए कि टाइम परचेजिंग पावर में क्या फर्क आया। आमतौर पर जो कंपैरिजन करते हैं हम करीब टाइम में ही कर देते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इससे ज्यादा पिछले करने का इतना फायदा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट यहाँ पे है, इसके बाद ये आप यहाँ से पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। यहाँ से पढ़ते हैं, द नंबर्स नोन एज इंडेक्स नंबर। यानी कि जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जो चेंजिंग बता रहा होता है हमें, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर। ठीक है, दे आर यूजली कंस्ट्रक्टेड फॉर द वेरिएबल सच एज प्राइसेस, क्वांटिटीज, वेजेस, इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट, इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस पीपल। यहाँ से बेसिकली देखिए इंडेक्स नंबर की यहाँ पे डेफिनेशन आपसे करेंगे। एंड एन इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ एन एवरेज ऑफ रेशियोज यूजली एक्सप्रेस इन परसेंटेज। याद रखना है, इस चैप्टर में हमेशा सारी वैल्यूज को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हर वैल्यू को, तो परसेंटेज में एक्सप्रेस होंगी। और इंडेक्स नंबर आमतौर पर बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, टू और मोर टाइम पीरियड्स आर कंसीडर्ड, द वैल्यूज ऑफ एट वन टाइम पीरियड आर टेकन एज अ बेस। यानी कि अगर 2 सालों का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं 2023 का 2024 पे कर रही होती हूँ, तो 2024 वाली जो है वो बन जाएगी करंट, यानी कि जो इस साल की है वो ऊपर आ जाएगी 2024 की, और प्रीवियस जो जिसको मैंने बेस कहा था वो 2023 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस पर हम कंपेरिजन कर सकते हैं। दिस रेशियो ऑफ वैल्यूज एट द अदर टाइम पीरियड टू द बेस पीरियड व्हेन एक्सप्रेस द परसेंटेज शो। यानी कि बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है, जब हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, पी एन ओवर पी नोट, ये बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये पूरे पूरे चैप्टर में यही यूज होगा, इसी को हमने मॉडिफाई करना होता है। पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, इसमें हमारा प्राइस जो रिलेटिव भी कह सकते हो आप उसको, और इंडेक्स नंबर भी कह सकते हो, ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आता है। बी पी नोट का मतलब क्या है, बेस ईयर की प्राइस, और क्यू एन का, पी एन का मतलब है कि करंट ईयर की प्राइस। ठीक है, इसके बाद उन्होंने यहाँ पे नोटेशंस बता दी। नोटेशंस पी नोट क्या डिनोट कर रहा है, क्यू नोट डिनोट क्या कर रहा है, जो जिसके साथ नोट आ गया वो हमारे पास बेस ईयर का होता है, और जिसके साथ यहाँ पे एन आ गया वो हमारे पास करंट ईयर है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद एग्जांपल नंबर 1 पे। एग्जांपल 1 है, द डाटा गिवन बिलो इज अवेलेबल अबाउट द प्राइस ऑफ व्हीट फॉर द ईयर 1989 टू 1994। द इंटरेस्ट इज टू कंपेयर द प्राइस ऑफ व्हीट इन दीस ईयर 1989। अब 1989 को एज अ बेस उन्होंने मेंशन कर दिया, इसको हमने बेस ईयर लेना है, और बाकी सारे ईयर्स का हमने कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर। अब हमारे पास एक ईयर है और एक प्राइस की, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वो प्राइस वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है हमारे पास। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। अब पी नोट हमारे पास उन्होंने कह दिया 1980 ये वाला है, जो 1989 वाला, ये हमने बेस लेना है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे देखें इन्होंने कैलकुलेट करके एक, बेसिकली आपने जो है ना एक कॉलम बना लेना, ये जो है हमारे पास बेस यूज होगा हर एक में। जैसे कि मैं 1990 पे कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं करूँगी 96 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर 112 करूंगी, इसको भी डिवाइड बाय 85 करूंगी मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 124 को डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100। 130 को भी 85 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। 160 को भी 85 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100।
इस तरह से सारी वैल्यूज का मैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, फॉर्मूला वही है, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, और पी नोट यहाँ पे 1989 की वैल्यू है जो कि 85 है। इस 85 को इसके डिवाइजर में यूज करके हमने करना है। जैसे कि देखिए, पहली वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके बताई, हम 85 को 85 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 100 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई है इसी तरह से। पहले आपने 85 का निकाला, फिर 96 को 85 से डिवाइड किया, ये सारे के सारे आप इसका करते गए, यानी कि ये जो है सबके नीचे डिवाइजर में यूज होगा। यहाँ पे 90 के भी, 91 के, 92 के, यानी कि सारी वैल्यूज के प्राइस के ये डिवाइजर में यूज होगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमने प्राइस इंडेक्स निकाल लिया एज अ बेस 1989। कभी कभी आपको 2 या 3 सालों का एवरेज भी कह देते हैं कि आपने बेस यूज करके निकालना है, तो वो भी हम करेंगे। ये तो सिंपल इंडेक्स नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए, द प्राइस इंडेक्स कॉलम्स इंडिकेट परसेंटेज ऑफ 89 प्राइस 89 1989 प्राइस ऑफ ईच ईयर। फॉर एग्जांपल, द प्राइस इन 1992 145.88% ऑफ द प्राइस 1989। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखिए प्राइसेस इंक्रीज कर रहे होते हैं विद द टाइम। आमतौर पर आपने देखा कि हर साल की नस्बत, मतलब नेक्स्ट ईयर प्राइसेस इंक्रीज कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि 1989 की नस्बत यहाँ पे 12%, यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास 31%, फिर बाद 45%, 52%, 88%। 100 हमारा स्टैंडर्ड होता है, 100 से जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उसका इंक्रीमेंट शो कर रही होती है, और 100 से वैल्यू बिलो आ जाएगी तो वो डिक्रीमेंट, को अगर वैल्यू 95 आ जाएगी तो इसका मतलब है 5% प्राइस में डिक्रीज हुआ है। अगर ये वैल्यू 105 आती है तो इसका मतलब है 5% इंक्रीज हुआ है। 100 हमारा स्टैंडर्ड होता है, 100 से अबव वैल्यू होगी तो वो इंक्रीज शो करेगी, 100 से बिलो वैल्यू होगी तो वो डिक्रीज शो करेगी। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि सारी वैल्यूज 1989 के कंपैरिजन में इंक्रीज कर रही है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन आपने कर लेनी है, इसके बाद ये दोनों डेफिनेशन। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल देखिए, जैसे कि नेम से शो हो रहा है सिंपल, जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा। सिंपल का मतलब सिंगल वेरिएबल जिसमें होगा, और कंपोजिट का मतलब क्या है, जिसमें मोर देन वन वेरिएबल, यानी कि टू या ज्यादा वेरिएबल्स होंगे इसमें। हम एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, यानी कि ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हम उनका एग्रीगेट सम करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे सिंपल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है। इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर व्हेन इट इज मैयर रिलेटिव चेंज इन सिंगल वेरिएबल, इनके सिंगल वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हम रिलेटिव चेंज मैयर कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से कर लेनी है, यही तक इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर फॉर वेजेस ऑफ लेबर्स, यानी कि लेबर्स के हम वेजेस को देख रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि वीट के प्राइसेस को देख रहे हो, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे भी, या फिर आप कह सकते हो वॉल्यूम किसी चीज का देख रहे हो। इस तरह से जो भी सारे सिंगल वेरिएबल होंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल इंडेक्स नंबर। कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर क्या होगा, जिसमें हमारे पास टू और मोर वेरिएबल देखें। ये सिंपल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ये पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, जो हमारे पास अभी मैंने कहा था ना आपको, बेसिक फॉर्मूला हर जगह पे यूज करेंगे तो वही बेसिक वाला फॉर्मूला है। इसलिए देखिए, एग्जांपल एग्जांपल 5.2 कंपेयर द डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स इन लाहौर ओवर द टाइम पीरियड 1988 टू 1993। द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम द पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे 1993 टेकिंग 1988 एज अ बेस। अब उन्होंने बता दिया हमने बेस किसको लेना है, 1988 की वैल्यू को, यानी कि आमतौर पर यूजली हम पहली वैल्यू को बेस लेते हैं या एवरेज ले लेते हैं, जो मेंशन करा उन्होंने क्वेश्चन में। अब यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन किया कि आपने 1988 की प्राइस को, वेजेस को एज अ बेस यूज करना है। तो अब आपने ये करना है कि फॉर्मूला वही होगा, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर डब्ल्यू निकाल रहे हैं वेजेस के लिए, तो डब्ल्यू एन ओवर डब्ल्यू नोट करेंगे डिवाइड बाय डब्ल्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। सेम उसी तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये जो है अपने इस बेस को डिवाइड करते हैं। जैसे कि 51 को डिवाइड किया 46 से मल्टीप्लाई बाय 100, 58 को 46 से मल्टीप्लाई बाय 100, 71 को डिवाइड किया 46 से मल्टीप्लाई बाय 100, 71 को यहाँ भी 46 से डिवाइड किया, और 86 को भी। इस तरह से सबके नीचे डिवाइजर में इस वाले को यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास वेजेस निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, एज अ बेस जो हमने यूज किया 1988 के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप यहाँ उन्होंने बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आप समझ लेंगे बिल्कुल, एक बार करने में आपको सारी समझ आ जाएगी। अब यहाँ से देखो, ये सारे हमारे पास उन्होंने बता दिए, ये क्या ईयर के कॉलम को आपने कुछ नहीं करना होता, हमेशा आपके पास जो भी वेरिएबल होता है, या प्राइस हो, वेजेस हो, क्वान्टिटीज हो, जो भी हो, उसको आपने यूज करके निकालना होता है। यहाँ पे हमने इस तरह से निकाल लिया, पहली वैल्यू तो आपको पता है 46 को 46 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100, 100 आ जाएगी। फिर 51 को 46 से, फिर 58 को 46 से, यानी कि सिक्स बेस है हमारे पास जो हमने 46 को हर एक के नीचे डिवाइजर में यूज करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द वेज इंडेक्स ऑफ 126 फॉर ईयर 90। देखो, 1990 की जो प्राइस वेज है 126.08 होगा। अभी मैंने आपको बताया 100 स्टैंडर्ड होता है,
तो यानी कि हमारी जो है यहाँ पे वेजेस इंक्रीज कर रही है, वेजेस हैव बीन इंक्रीज बाय 26.08%। 100 से जितनी भी वैल्यू बढ़ी होगी उतने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 1988 की नस्बत 1999 में, 1990 में प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसी तरह से बाकी सालों का भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास 86.96% इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू 1988, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल दोनों सेम थे, बस वेरिएबल का नाम प्राइस था, ये वेजेस था। बट एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास? कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास ये होता है, एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स नंबर व्हेन इट इज मई रिलेटिव चेंज इन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी कि दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेटिव चेंज मई करता है, उसमें सिंगल वेरिएबल था, इसमें टू और मोर वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ प्राइसेस, यानी कि दो हमारे पास प्राइसेस के कॉलम्स आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंडेक्स में कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के कॉलम आ जाए, या फिर कोई भी इस तरह से हो सकता है, वॉल्यूम के दो आ जाए, वेजेस के दो आ जाए, इस तरह से कंपेरिजन हमने करना हो तो हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाएगा। अब इसके आगे फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर और एक होता है वेटेड। अनवेटेड में क्या होगा, सिंपल वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि प्राइस वन किसी चीज की, आपने कह दिया राइस की प्राइस, व्हीट की प्राइस, नट्स की प्राइस, डिफरेंट प्राइसेस हो जाएंगी। अब अगर उनके साथ उनकी क्वांटिटी मतलब गिवन होगी तो वो वेट इंडेक्स नंबर बन जाएगा। सिंपल प्राइसेस किसी चीज की है, सिर्फ एक क्वांटिटीज वेरिएबल गिवन होगा तो हमारे पास अनवेटेड होगा, और अगर हमारे पास किसी चीज की प्राइस भी हो साथ उसकी क्वांटिटी भी हो तो इसका मतलब है ये वेट इंडेक्स नंबर होगा, यानी कि उसके एक चीज का जो है प्राइस उसके साथ उसकी क्वांटिटी या वेट भी गिवन है। वेटेड का मतलब क्या होता है, हमने वेटेड आपको बताया, वेटेड मीन भी पढ़ा था, तो जहां भी वेटेड का वर्ड आता है मैं आपको बताती हूँ कि वेटेड का मतलब होता है कि रिलेटिव इंपोर्टेंस, यानी कि किसी चीज को हम कितनी इंपोर्टेंस दे रहे हैं। हर एक को हम इक्वल इंपोर्टेंस तो नहीं देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे प्राइसेस ले रहे हैं तो किसी की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, किसी की क्वांटिटी कम लेंगे, इसलिए यहाँ पे उसके साथ वेटेड का मतलब है कि उसकी क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई होगी। अनवेटेड का मतलब है जस्ट सिंपल प्राइसेस होंगे, जो भी वेरिएबल होगा उस होगा विदाउट वेट होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशन, अब आपने सिंपल इंडेक्स नंबर की, कंपोजिट इंडेक्स नंबर की, वेटेड और अनवेटेड की डेफिनेशन को याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या है अनवेटेड इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पे अनवेटेड की फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्सेस आर मे मेजर चेंजेस इन प्राइसेस क्वांटिटी वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास तीन तरह की जो है अनवेटेड की टाइप्स आती हैं। अनवेटेड की क्या टाइप्स है, पहले देखिए, हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर हो जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो जाएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर हो जाएगा। अब हमने वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्या होता है याद रखना, आपने कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, व्हाट इज वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू का मतलब होता है, हमने वैल्यू को बी से डिनोट कर दूं, वैल्यू का मतलब है किसी भी चीज की प्राइस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्वांटिटी से, तो ये मेरी बन जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। किसी भी चीज की प्राइस और सबकी क्वांटिटी को मेजर कर देने से हमारे पास बन जाता है वैल्यू। अब वैल्यू इंडेक्स क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, पी एन ओवर पी नोट, इसी में हम मॉडिफिकेशंस कर करके हम कैलकुलेट करेंगे। अब पी एन ओवर पी नोट तो आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100, हमने वो बेसिक फॉर्मूला लिख लिया जो हमें इंडेक्स नंबर का पता है, हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया है। अब इसका हमने वैल्यू इंडेक्स निकालना है, हमें पता है कि वैल्यू का मतलब क्या है कि पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, यानी कि अगर यहाँ पे पी एन है तो यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा। ये पी नोट है तो यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, क्यू नोट आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू का मतलब क्या होता है, उस चीज की प्राइस और उस चीज की क्वांटिटी, प्राइस तो पहले ऑलरेडी लिखी हुई थी, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया और साथ यहाँ पे सम्मेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेसिकली वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने याद रखना, जब भी याद आपने इसको बनाना हो किसी चीज के फॉर्मूले को, तो आपने बेसिक ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसी में मॉडिफिकेशन करनी है। वैल्यू बनाने की जो पी एन था तो साथ क्यू एन आ गया, क्यू नोट तो नहीं ना आ सकता, एक चीज की प्राइस और वैल्यू किसी और की ले लेंगे, ये तो नहीं ना, जिस चीज की प्राइस है उस चीज की वैल्यू लेंगे, जिस चीज की प्राइस है उस चीज की वैल्यू लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये वैल्यू इंडेक्स नंबर बना लिया। नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद, यहाँ पे आपको मैंने बता दी गई कि है पी एन से, पी एन क्यू का मतलब होता है करंट ईयर, ठीक है, गिवन ईयर भी कहते हैं, करंट ईयर भी कहते हैं, उनकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और पी नोट क्यू नोट का मतलब होगा बेस ईयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस जो है अक्सर पेपर में आ जाती है, यूजेस या एडवांटेजेस होता है और लिमिटेशंस, ठीक है, या डिसएडवांटेजेस, ये अक्सर पेपर में आ जाती है कि राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, राइट डाउन द एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर या इंपोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो आपने इनको याद कर लेना है, कोई तीन तीन याद कर लेना है। पहले हमारे पास इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इनटू अकाउंट ऑल चेंजेस इन द प्रोडक्ट, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे जो है चेंजेस को मनी कर रहे हो, ऑल इंडेक्स नंबर आर सूटेबल फॉर ऑल, यानी कि सारे इंडेक्स नंबर सारे पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते,
देर मे बी एरर इन चॉइस ऑफ बेस पीरियड्स। अब कह रहे हैं कि बेस पीरियड जो आप सेलेक्ट करते हैं मे बी उसमें कोई एरर हो, जरूरत नहीं कि वो बेस पीरियड अच्छा हो। बेस पीरियड आमतौर पर वो लेते हैं जो नॉर्मल ईयर हो, इसमें फ्लक्चुएशन ना ही हो उस साल में। देर मे बी सिंपल रफ इंडिकेशन ऑफ रिलेटिव चेंज। वो कह रहे हैं कि आमतौर पर रफ चेंजेस बताता है, जरूरत नहीं कि सही 100% सही बताए, रफ इंडिकेशन ही दे रही है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर गिव डिफरेंट रिजल्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप सीपीआई यूज करते हैं या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर, मतलब डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट आते हैं, सेम रिजल्ट नहीं आते हैं। मुझे इसके हैं इसके हमारे पास द प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू मेजर एवरेज प्राइस चेंजेस इन अ कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटी। ये हमने पहले देख लिया कि इंडेक्स नंबर क्या मेजर करता है, सिंगल वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में चेंजेस मेजर कर रहा होता है। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट इसके बाद है विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलेटिव चेंज टू द बेस पीरियड, और बेस पीरियड के अकॉर्डिंग टाइम जो है रिलेटिव चेंज बता रहा होता है। दिस हेल्प्स इन कंपेयरिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी विद अनदर। ये कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास बेसिकली ये हेल्प कर रहा होता है प्राइसेस को जो है कंपेरिजन के लिए हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स नंबर्स, द प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू मेजर द बाइंग पावर ऑफ अ कंपनी। यानी कि वो कह रहे हैं इंडेक्स नंबर हमें बाइंग पावर ऑफ मनी भी बताता है। ठीक है, ये भी इसका हो गया। उसके बाद आता है कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जिसको हम कहते हैं, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। आर यूज एज अ फैक्टर टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस कम होना। बाय गवर्नमेंट्स एज दिस मेजर्स आर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन से हमारे प्राइसेस में चेंज आ रहे होते हैं तो सीपीआई उसको मेजर कर रहा होता है। सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर जो भी प्राइसेस पे चीजें खरीद रहा होता है तो ये उसको बेसिकली मेजर करके बता रहा होता है कि कंज्यूमर का जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल का मतलब होता है जो दुकानदार या प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं प्राइसेस। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस एंड पेमेंट बाय इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एट दिस मेजर सेलिंग प्रोड्यूसर सेलिंग। ये जो होलसेल होता है वो प्रोड्यूसर के लिए होता है और जो सीपीआई होता है वो कंज्यूमर के लिए होता है। ठीक है, कंज्यूमर के बता रहा होता है प्राइसेस में चेंजेस मेजर कर रहा होता है, और जो होलसेल है वो चेंजेस मेजर कर रहा होता है प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हो कि सीपीआई मेजर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर जो है चेंजेस द मेजर चेंजेस इन द प्रोड्यूसर सेलिंग प्राइसेस। अब ये आपने इस तरह से चाहे इसको पूरा पूरा याद कर लें या फिर इस तरह से मैंने बताया कि आप यहाँ पे करें, इसके बाद यहाँ पे लास्ट लाइन यहाँ पे। द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू मेजर द चेंजेस इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस। अब कहने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस किसी भी चीज़ की क्वांटिटी प्रोड्यूस हो, कंज्यूम हो या सोल्ड हो, उसके बारे में एक्सपोर्ट करना हो, इम्पोर्ट करना हो, इसके बारे में हमें बता रहा है। जैसे कि लेट्स सपोज हमने देखा कि शादी के सीजन में फर्नीचर की, ज्वेलरी की, कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, तो जब क्वांटिटी किसी चीज़ की ज़्यादा यूज हो रही है इसका मतलब उस चीज़ को प्रोड्यूस ज़्यादा करें, बिल्कुल ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। तो इसलिए फिर जो है जो इंडेक्स नंबर के थ्रू ये किसी के लिए पता चल जाता है कि इस इन दिनों में ये चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है तो हमने ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर डिफरेंट चीजों के बारे में बताता है। अभी तक हमने यहाँ पे पांच चीजें देख ली है। पहला किसने बताया है यहाँ पे देख लेंगे। पहला क्या है कि इंडेक्स नंबर मेजर करता है रिलेटिव चेंज इन अ वेरिएबल या फिर जो है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में प्राइसेस में ओवर द टाइम। फिर उसके बाद हमने देखा परचेसिंग पावर ऑफ मनी का बताता है, सीपीआई कंज्यूमर की गुड्स में चेंजेस का बताता है, WPI जो है प्रोड्यूसर की सेलिंग प्राइस में बताता है, क्वांटिटी में बताता है कि क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, कितनी क्वांटिटी की जरूरत है, तो मेजर इन चेंजेस इन क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है द इंडेक्स नंबर्स आर हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेसमैन टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड हेल्प प्लान नियर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन को भी हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस हेल्प टू मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पता चलता है इनकी प्राइसेस, देखिए हमारी जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड उसमें हमारे पास लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान में डिफरेंस लेके देख रहे होते हैं कि इम्पोर्ट ज्यादा हुई है या एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है। आमतौर पर हमारी कंट्री में जो है इम्पोर्ट से ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट तो कम है थोड़ी। इस लिहाज से इनको आप ये सारी चीजें हमें इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है मेजर करना होता है। तो इंडेक्स नंबर कितना हमारे पास यूजफुल मेजर है इकोनॉमिक्स में, बिजनेसमैन में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, हर जगह पे यूज हो रहा है, प्रोडक्शन साइड पे भी, कंज्यूमर साइड पे भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर जो है प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो आपने सारे याद नहीं करने, इसमें साथ में नेम्स को याद कर लेना है। सबसे पहले तो हमारे माइंड में होना चाहिए फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेप टू डिफाइन पर्पस एंड स्कोप। जो भी हमने निकालना है, सीपीआई कैलकुलेट करना है या होलसेल प्राइस इंडेक्स, हमारे माइंड में उसका पर्पस और स्कोप होना चाहिए। नेक्स्ट सिलेक्टिंग कमोडिटीज, क्या आपने कमोडिटीज कौन सी लेनी है, उनकी प्राइसेस कौन सी लेनी है, यानी कि आपने अगर आप कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हो तो
किस एरिया कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हो, तो उसकी प्राइसेस क्या होंगी। तो हमने यहाँ पे कमोडिटीज को देखना होगा, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज को देखना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं चूजिंग द बेस ईयर। बेस ईयर हमने वो लेना होता है, यहाँ आपने कुछ डिटेल में पढ़ लेना इसको। चूजिंग द बेस ईयर, बेस ईयर क्या होता है कि बेस ईयर हम आमतौर पर वो लेते हैं जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आई हो, ठीक है, जिसमें हमारे जो साल नॉर्मल ईयर हो। आमतौर पर हम बेस ईयर को लेते हैं जो नॉर्मल ईयर हो, जिसमें हमारी इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन ना आई हो, कोई स्ट्राइक ना हुई हो, कोई फ्लड या कोई इस तरह की नेचुरल डिजास्टर ना आई हो, ताकि जो है प्राइसेस ऊपर नीचे ज्यादा ना हुई हो। हम उस साल को नॉर्मल ईयर कहते हैं और उसको हम बेस ईयर एज यूज कहते हैं। नेक्स्ट आता है चूजिंग द वेट्स। वेट कैसे यूज कर रहे होते हैं। अब वेट का मतलब होता है रिलेटिव इंपोर्टेंस। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द वेट चूजन शुड इंडिकेट द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। किसी भी चीज की रिलेटिव इंपोर्टेंस को हम वेट्स कहते हैं। यहाँ से हमें इतना से इसकी रिलेटिव इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग वेट्स को भी चूज करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ईएम वैल्यू को देख सकते हैं। वैल्यू तीन और तीन और के बराबर होता है। वैल्यू ऑफ कमोडिटी प्राइस इनटू क्वांटिटी हम पहले देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि इतना से बनाते हैं वी ओवर सबमिशन डब्ल्यू, इतना से बनता है किसी चीज की वैल्यू और सबमिशन जो है वैल्यू का। नेक्स्ट आता है चूजिंग द एवरेज। अब एवरेज हम यहाँ पे डिफरेंट एवरेजेस को यूज करते हैं, लेकिन याद रखें अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन जो होती है हमारी बेस्ट एवरेज होती है इंडेक्स नंबर के लिए, लेकिन हम आमतौर पर यूज इसमें अर्थमेटिक मीन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम यूज कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मीन, अर्थमेटिक सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज इसमें होता है अर्थमेटिक मीन, और बेस्ट एवरेज इसके लिए होती है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये हमारे पास बेस्ट एवरेज होती है, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच एवरेज इज बेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर। तो बेस्ट होती है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन हम यूज कौन सी कर रहे होते हैं अर्थमेटिक मीन। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। मैंने आपको कहा यहाँ से आप उनको अंडरस्टैंड कर लेना, बाकी डेफिनेशन बाद में आपको बता दूँ। अब जैसे कि अनवेटेड है, अनवेटेड की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। द आइडिया इज टू गिव इक्वल वेट्स टू ईच आइटम इन द इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे क्या है इक्वल वेट, अनवेटेड का मतलब है किसने हमने किसी को वेट असाइन नहीं किया, सबको इक्वल इंपोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये हमारे पास अनवेटेड की डेफिनेशन आ जाएगी और इसकी टाइप, इसकी टाइप्स को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो मैं आपको क्वेश्चन मार्क करवा दूँ, आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.7। हमने क्या करना है, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, टेकिंग एवरेज प्राइसेस ऑफ ऑल द इयर्स एज अ बेस। अब उन्होंने यहाँ पे कोई हमें ये नहीं बताया कि 1972 या 71 को बेस, उन्होंने कहा है कि सारी सारी प्राइसेस को ऐड किया, और जितने ये साल हैं जैसे कि 7 साल हैं या 8 साल हैं, जितने भी हैं 8 ईयर्स हैं, उन 8 ईयर्स को ये सारी प्राइसेस को ऐड किया, 8 पे डिवाइड किया, जो भी एवरेज आएगी हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। उस एक्स बार को हमने एवरेज तो बेस यूज करना है हर एक, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाती है इसकी बेस 25, तो हमने हर एक के डिवाइजन में 25 को एज अ बेस यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी पर अमाउंट फॉर द पीरियड 1945 से 1960, ये हमारे पास डाटा है। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन, 5.7 को भी कर लेना है, 5.8 को देखने लगे हैं हम। अच्छा अभी देखिए, ये 1945, ये 49 तक हो गए। इसके बाद यहाँ पे आपने एक ही कॉलम में सारे ईयर्स को लिखना है, एक ही कॉलम में सारे प्राइसेस। आपके पास तीन चार डाटा नहीं है, ईयर एक ही है और प्राइसेस भी एक ही है। अब क्या कहा उन्होंने, 1945, ये जो 1945 है पहली वाले साल को ही हमने एज अ बेस यूज करना है। 1945 वाली इस प्राइसेस को हमने एज अ बेस यूज करना है, और एक बार इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस उन्होंने कहा है, 2 डेसिमल प्लेस, जैसे ये 2 डेसिमल है ऐसे ही है, ये नहीं कि 4 डेसिमल नहीं आपने। नेक्स्ट है एवरेज प्राइसेस ऑफ ऑल द इयर्स एज अ बेस। उन्होंने क्या कहा है कि सारी प्राइसेस को, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास प्राइसेस हैं, 5 5 प्राइसेस ये आ जाएंगी, 5 अगले वाली ये आ जाएंगी, इन सारी प्राइसेस को हमने ऐड किया, 15 पे डिवाइड किया, और जो भी आती है वैल्यू उसको हमने एज अ बेस के रिपोर्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 5.9 है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें फाइंड द इंडेक्स नंबर है, उन्होंने 1970 को एज अ बेस यूज करना है, और एवरेज ऑफ द प्राइसेस एज अ बेस। सेम वही क्वेश्चन जैसे ऊपर हमने किया है कि पहले आपने 1977 को ऐसा बेस यूज करके हर एक नीचे डिवाइड करके आपने निकालना है प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर एवरेज लेना, सारी प्राइसेस को ऐड करना है। जैसे तीन ये है, जी ये 9 प्राइसेस हैं, इन 9 को ऐड किया, और 9 को ऐड करने के बाद 9 डिवाइड किया, जो भी हमारे पास एक्स बार आएगा उस एक्स बार को हमने एज अ जो है बेस यूज करना है हर एक नीचे डिवाइड करने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5.10 क्वेश्चन, उसमें भी सेम ऐसे 1930 को यूज किया, फिर एवरेज फर्स्ट लिया, पहले 3 सालों को लिया एवरेज, फिर उसके बाद 1935 वाले को एज अ बेस भी लिया। इसमें तीन हमारे पास पार्ट करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.11।
अब इन्होंने देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, लेकिन बस ये बता देगा ऑन द बेसिस ऑफ 1923 इक्वल टू 100, यानी कि जिसकी वैल्यू 100 आ रही है वही बेस होगा ना हमारे पास, हमने प्राइस सेटिंग निकाली है। देखिए गर्ल्स नाम डिफरेंट हो सकते हैं, प्राइस सेलेक्ट कह दिया या इंडेक्स नंबर कह दिया, है एक ही चीज। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने कहा 1923 को 100 लेना है, यानी कि इसकी वैल्यू को हमने 100 लेना है और बाकी सारे हमने कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने ये जो 1/2 है उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया, 1/2 को आपको पता है 0.5 होता है, 2/7 को, जो भी यहाँ पे ये पॉइंट्स में डाटा को कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने 13 को हर के डिवाइजर में यूज करना, तो इसका आपको इंडेक्स नंबर आया। फिर यहाँ पे आगे जाए इंडेक्स नंबर, आपने 1964 जो है इसको यूज करके आपने कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान। नेक्स्ट आता है आपका डाटा है, यहाँ पे कंप्यूटर इंडेक्स नंबर आपको करना है 1953, 1953। अब देखिए ये वाला बच्चे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इतिहास से, इसमें 1953 आप समझेंगे बस यही सबके नीचे बेस यूज करना है, इसमें ऐसे नहीं करना, ये हमारे पास कंपोजिट का वो आ जाएगा, यानी कि एक तरह से आपने एक तो एक में 1945 को इस पूरे के पूरे इसमें आपने यूज करना होगा, सॉरी नहीं, ये वही है सिंपल इंडेक्स नंबर ही है, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये इसको आपने इस तरह से अरेंज कर लिया, प्राइस को इस तरह से अरेंज कर लिया और 14.95 को हर एक डिवाइजर में यूज करते गए, ठीक है। ये भी हमारे पास सिंगल वेरिएबल वाला ही है, सिंगल इंडेक्स नंबर ही है। इस तरह से कंपोजिट भी आ सकते हैं कि आपको एक चीज का कॉलम हो, एक चीज की प्राइस हो, दूसरी चीज की प्राइस हो, और वो कहते हैं कि आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, तो आपने ये करना होगा जो बेस बताया होगा इसकी बेस को यूज करके इसके कॉलम का निकाल लेना, इसकी बेस को यूज करके इसके कॉलम का निकाल लेना, इस तरह से करना है आपने। नेक्स्ट 5.14 1962 को एज अ बेस यूज करना। अब यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट आ गया, कि ज्यादा वेरिएबल्स आ गए, एक है फायरवुड, एक सॉफ्ट, एक कैरोसिन और मैचेस, ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गई है। 1962 को हमने बेस यूज करना, तो यही करेंगे सेम यहाँ पे, ये देखो इसको एज अ बेस यूज करेंगे तो ये कैलकुलेट कर लेंगे सारे, इसको ये बेस यूज करेंगे, ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको बेस यूज करेंगे सारे सारे, तो बेस को ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे चार इंडेक्स नंबर्स, मतलब फोर बन जाएंगे, ज्यादा इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे, फिर एंड पे उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे इन चारों वैल्यूज का, तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। हमने मतलब एक कॉलम में कन्वर्ट करना हो इसको, तो हम एक अर्थमेटिक मीन यहाँ पे लेंगे, 5.14 भी हो जाएगा। इसके बाद आपका है नेक्स्ट 5.15, इसमें भी आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना सेम यही मेथड आपने पहले 1981 को एज अ बेस इसको यूज करके सारी कैलकुलेट के ये कैलकुलेट के, उसके बाद उन्होंने कहा मीडियन को एज एवरेज यूज करना है। पिछले वाले में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन कहा था, जब वो मेंशन नहीं करती तो अर्थमेटिक मीन लेना होता है, यहाँ पे मेंशन कर दिया तो आपने मीडियन लेना होगा, यानी कि तीनों वैल्यूज को अरेंज करेंगे, जो छोटी जो सेकंड की वैल्यू आएगी वो मीडियन हो जाएगा, अगर चार वैल्यूज होती तो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 को डिवाइड करके फिर मीडियन निकाल देंगे, ठीक है। तो 5.15 तक आपने करने, नेक्स्ट ये दूसरे वाला हम नेक्स्ट करेंगे, और होप आपको अच्छा लेक्चर क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।